नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस क्रो चैनल में। दोस्तों आज हम एमएस वर्ड में सीखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, या पर्टिकुलर लाइन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं या डिलीट करते हैं। ये हम सिंपल सी चीज़ हम एमएस वर्ड में सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट की कॉपी मैंने बनाई है दोस्तों, इसे प्रैक्टिस के लिए रखा है मैंने। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कुछ टाइप किया हुआ है। अगर आप चाहते इस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना, पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करना, या एक फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो माउस से और दूसरा शॉर्टकट की से, कीबोर्ड से। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, दोस्तों अगर अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पे अगर मुझे ये पर्टिकुलर जो वर्ड है लाइसेंस या कॉन्वेंट्स दैट, ये छोटे छोटे जो वर्ड है, सो अगर इस पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे लिखा पीसफुल, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को अगर सिलेक्ट करना है तो दोस्तों हम वर्ड में कैसे करते हैं वो हम देखने वाले, वो भी माउस से। ठीक है, अब मैं इस पेज को और थोड़ा जूम करता हूँ दोस्तों, ताकि आपको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो माउस का जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है, सो आई साइन से, ठीक है, तो ये इस पॉइंट को हम लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से क्या होता, वो ब्लिंकिंग पॉइंट जो है आपका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसे माउस से सिलेक्ट करना है आपको, लेफ्ट की से, और इसे ड्रैग कर दीजिए तो ये सिलेक्ट हो गया राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर उसका कलर ये थोड़ा सा सिलेक्शन पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया है वर्ड। इसे देखिए दोस्तों, ऑक्यूपेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो आई दिखा दे रहा है उसे यहाँ पे लेके जाइए, और लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए, और इस वर्ड के ऊपर से घुमाइए। बस इस पर्टिकुलर वर्ड को आप ऐसे इजीली माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक लाइन को सिलेक्ट करना है, ये पूरी लाइन, तो आपको ये जो ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे लाना है यहाँ पे, और यहाँ से आपको इंसर्शन पॉइंट को इस तरफ राइट साइड को खींचना है, ताकि आप ये पूरी लाइन इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो आप इस माउस को लेके जाइए, आई साइन को यहाँ पे THE द के सामने क्लिक कर दीजिए, और फिर इसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए, और इस पूरे वर्ड लाइन और पैराग्राफ से मूव कीजिए, तो आप इजीली, अभी ये हो गया पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट। तो आप इसे कंट्रोल सी, कॉपी पेस्ट, स्पेशल जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। लेकिन ये है तरीका पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, वो भी सिंपल माउस से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शॉर्टकट की से देखेंगे कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर मुझे ये पीसफुल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा, और आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की। पहले तो मैं बताऊंगा शिफ्ट बटन से क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखूंगा दोस्तों, और राइट एरो की को मैं अगर प्रेस कर रहा हूं, तो एक एक अल्फाबेट सिलेक्ट हो रहा है। अभी इस हेयर बैग को मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर शिफ्ट के साथ अगर कंट्रोल भी प्रेस करके रखा तो क्या होगा, देखिए देखो दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, तो पूरा वर्ड सिलेक्ट होता है दोस्तों। अगर आपको ऐसे पूरा वर्ड सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने सिलेक्ट किया, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे कंट्रोल सेट। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, इस वर्ड को अगर मुझे सिलेक्ट करना है, देखिए ऑब्जर्विंग इस वर्ड को सिलेक्ट करना, तो मैं सिंपली यहाँ पे माउस से क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करूंगा, ताकि आगे सिलेक्शन हो जाए लेफ्ट टू राइट। अब देखिए, अभी राइट टू लेफ्ट करना है, तो आपको इस वर्ड के पीछे माउस को क्लिक करना पड़ेगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की को क्लिक कीजिए, तो ये पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ हमने बिना शिफ्ट प्रेस किए कंट्रोल और लेफ्ट एरो की प्रेस किया, तो ये जाएगा पी के पास,
देखिए ये वो लेफ्ट साइड को जंप करेगा वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो ये वर्ड टू वर्ड जंप कर रहा है तो हम शिफ्ट प्रेस करके रखें तो पूरा सिलेक्शन मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप एक वर्ड को कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक लाइन को सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो चलिए ये पूरी ऊपर की लाइन जो है हमें, जैसे कि हम माउस से दिखाता हूँ, इस तरीके से सिलेक्शन देना है मुझे। तो आप कीबोर्ड से कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करते रहिए, वर्ड पूरे वर्ड को सिलेक्ट करता जाएगा। ये देखिए बस ये हुआ पूरा सिलेक्शन। और पूरे पैराग्राफ को करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की कीजिए, हो गया सिलेक्ट। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, कि पर्टिकुलर वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक अल्फाबेट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और पूरी लाइन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और पूरा पैराग्राफ कैसे सिलेक्ट करते हैं। दो तरीके से देखा दोस्तों हमने, एक माउस यूज करके देखा और दूसरा शॉर्टकट की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा सेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।